बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दो दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का औपचारिक स्वागत किया। बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। भारत बांग्लादेश इंडिया इज आवर मेजर नेबर, ट्रस्टेड फ्रेंड एंड रीजनल पार्टनर। Bangladesh greatly values our relations with India, which were born during our war of liberation in 1971. I recall with gratitude the contribution of the government and the people of India to Bangladesh's independence. I pay deep homage to the brave fallen heroes of India who sacrificed their lives during our war of liberation in 1971. বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একই সাথে রক্ত ঢেলে দিয়ে আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। তাদের কথা আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।